नमस्कार, आपका दोस्त योगेंद्र वर्मा, सच्चा साथी, हेल्थ कोच, हेल्थ एडवाइजर, आज आपके लिए बहुत ही स्पेशल और अपडेटेड प्लान लेके आया हूँ। दोस्तों, बहुत लोगों की रिक्वेस्ट थी, SBI का एक स्पेशल प्लान है आरोग्य प्लस। ऑलरेडी मैंने ये वीडियो डाली हुई है, अब उसका लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन लेके आया हूँ। दोस्तों, 2020 का जबरदस्त प्लान है, प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस प्लान में कुछ नए चेंजेस हुए हैं जिसके बारे में भी कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे वीडियोज को कमेंट करें, और किसी को भी नई पॉलिसी लेनी है, ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे हम लोग पॉलिसी प्रोवाइड करते हैं दोस्तों, और प्लीज एक बार कॉल करें, बात करें। आपका दोस्त योगेंद्र वर्मा। दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि इसमें बेनिफिट्स क्या हैं, प्लान्स क्या हैं, ये सारी डिटेल अच्छे से बताऊंगा। जो लोग भी मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, सबसे पहले बेनिफिट्स को लेके बात करते हैं कि ये प्लान क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस जो SBI का प्लान है कितना सस्ता और कितना बढ़िया है। सबसे बड़ा बेनिफिट बता देता हूँ दोस्तों इस पॉलिसी का, सबसे बड़ी USP, लाइफ लॉन्ग सेम प्रीमियम। किसी भी एज पर प्रीमियम बढ़ेगा नहीं, ये इस प्लान की सबसे बड़ी USP है। आज आपकी एज 20 साल है, 25 साल है, 35 साल है, 45 साल है या 55 साल है, किसी भी एज पे जो आपने आज प्रीमियम लिया है, थ्रू आउट द लाइफ यही प्रीमियम रहने वाला है। ये सबसे बड़ी USP है। एक साल के लिए जो प्रीमियम आता है 10,502 रुपए का आता है, 10,502 रुपीज का 3,00,000 रुपए की पॉलिसी मिलती है, और 2 साल के लिए लेते हैं तो 19,954 रुपए का, और 3 साल के लिए पॉलिसी वन शॉट में लेते हैं तो 29,143 रुपए का। दिस इज द फोर मोस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसकी USP है कि लाइफ लॉन्ग इसका प्रीमियम सेम रहेगा। हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे मैक्सिमम इस पॉलिसी को ले सकते हैं, चाहे कोई इंडिविजुअल लेना चाहे इंडिविजुअल ले सकते हैं, हस्बैंड वाइफ लेना चाहे वो भी ले सकते हैं, और 2 adult 1 child और 2 adult 2 child इज द मैक्सिमम पॉलिसी साइज इस पॉलिसी के अंदर अवेलेबल है। अदर इस प्लान की USP बता देता हूँ दोस्तों। इस प्लान के अंदर 55 ईयर्स तक कोई मेडिकल टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपकी एज 55 साल 11 महीने भी है तो आपका मेडिकल टेस्ट नहीं होगा इस पॉलिसी में, ये सबसे बड़ी USP है। अगर कोई पॉलिसी 55 साल के बाद इस पॉलिसी में एंटर करते हैं, इट मीन्स 56 साल से लेके 65 साल तक कोई पर्सन इस पॉलिसी को लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन उनका मेडिकल टेस्ट होगा विच इज मैंडेटरी, और उसका मेडिकल टेस्ट की कॉस्ट लगेगी 750 रुपये पर पर्सन। और यहाँ पर अगर आप मेट्रो सिटीज में या प्रॉपर टाउनशिप में रहते हैं तो वहाँ पर 750 रुपये होम विजिट आपका चार्ज रहेगा। कई बार कुछ कस्टमर्स रूरल एरियाज में रहते हैं जहाँ पर पहुँचना कई बार टफ होता है, तो वहाँ पर कई बार होम विजिट नहीं भी मिलेगा, वो डिपेंड करता है एरिया टू एरिया। अदरवाइज मैक्सिमम केसेस में होम विजिट इसमें अवेलेबल रहेगा, और आपको 750 रुपये उन्हीं को पे करना पड़ेगा जो आपके घर पर टेस्ट के लिए आएंगे, खाली पेट के टेस्ट होते हैं। अदर USP क्या है और इसमें स्पेशल क्या है, जैसे कि मैंने बताया 55 साल तक कोई मेडिकल टेस्ट नहीं, सेकंड इसके अंदर प्रीमियम फिक्स रहता है, नंबर 3 इसके अंदर OPD का फीचर भी इनबिल्ट मिलता है। दोस्तों, इसमें ओल्डर एज पे मैक्सिमम 500 रुपए की OPD मिलती है, कोई यंगर एज में पॉलिसी लेते हैं तो 7,000 रुपीज तक की इसमें OPD अवेलेबल है। इसका ब्रोशर मैंने लिंक में दिया हुआ है, आप उसको क्लिक करके इस ब्रोशर को देख सकते हैं, जो कि इसकी USP है। हर प्लान के अंदर आप 1,00,000 लें, 2,00,000 लें, 3,00,000 लें, 3 ही तरह के प्लान अवेलेबल है, सम श्योर 3 ही है, 1,00,000 है, 2,00,000 है और 3,00,000 है, और आप कोई भी सम श्योर ले सकते हैं, लेकिन मैं जनरली रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको मैक्सिमम सम श्योर लेना है जो 3,00,000 है। जितना कम सम श्योर लेंगे तो उसमें OPD ज्यादा ले सकते हैं, यंगर एज में ये बेनिफिट है, इसलिए OPD का चार्ट मैंने आपको बताया। नेक्स्ट, और इसमें क्या है, ये पॉलिसी इंडिविजुअल भी अवेलेबल है और फैमिली के लिए भी अवेलेबल है, दोनों ऑप्शंस में आप इसको ले सकते हैं। इसके अंदर और बात करें, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन बहुत ही यूनिक फीचर है दोस्तों। 60 दिन पहले और 90 दिन बाद की इसमें एक्सपेंस कवर होते हैं। एडमिट होने से पहले की जो खर्चे होते हैं उसे प्री हॉस्पिटलाइजेशन बोलते हैं, और डिस्चार्ज होने के बाद के जो खर्चे होते हैं उसको पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन होते हैं। तो दोनों खर्चे 60 दिन पहले और 90 दिन बाद की इस पॉलिसी के अंदर कवर होते हैं। नेक्स्ट बात करें, इसके अंदर ऑल डे केयर प्रोसीजर्स कवर। डे केयर प्रोसीजर्स दोस्तों वो होते हैं जिसके अंदर कोई भी मेडिकल एडवांसमेंट की वजह से कोई सर्जरीज करानी पड़ती है, जिसके लिए 2 घंटे, 4 घंटे, आधे घंटे के अंदर सर्जरी हो जाती है, 24 घंटे एडमिट रहने की जरूरत नहीं होती, वो सारे डे केयर प्रोसीजर्स इस पॉलिसी के अंदर कवर होते हैं। नेक्स्ट, अदर फीचर्स की बात करूँ इस प्लान के अंदर, तो बहुत ही अच्छी USP है कि इस प्लान में जो बच्चे हैं वो 3 मंथ से लेके 25 ईयर्स तक इस पॉलिसी के अंदर कवर होते हैं, और जो
पेरेंट्स है या जो भी पर्सन एल्डर एज की बात करूं तो 18 साल से लेके 65 साल तक इस पॉलिसी को लिए जा सकते हैं। सबसे एक और यूनिक फीचर इस पॉलिसी में जिसे हम बोलते हैं रूम रेंट लिमिट। इस पॉलिसी में रूम रेंट की कोई भी लिमिट नहीं है। सिंगल प्राइवेट एसी रूम कितने का भी हो इस पॉलिसी में यूज किया जा सकता है। दैट इज एक्चुअल बेसिस जो कि बहुत ही यूजफुल है। आईसीयू रूम इट मींस इंटेंसिव केयर यूनिट, अगर कोई आईसीयू रूम की इमरजेंसी पड़ती है तो वो भी इसमें कवर्ड है, उसकी भी कोई लिमिट नहीं है। ये दूसरी सबसे अच्छी यूएसपी है। दोस्तों कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आती है कि फादर को कई बार मदर को बीपी और शुगर होता है, कुछ लोगों को जिसको भी अपफ्रंटली बीपी एंड शुगर है तो एसबीआई कंपनी आपको प्लान नहीं देती है। दोस्तों ये थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है इस पॉलिसी के अंदर। तो अगर कोई सिंगल डिसीज है, खाली बीपी है, खाली शुगर है तो आप इस पॉलिसी के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन अगर किसी भी एक पर्सन को बीपी एंड शुगर एक साथ इकट्ठा है तो ये कंपनी प्लान नहीं देती है। इस चीज़ का थोड़ा सा अपने ध्यान रखना है। अदर एक और बहुत ही स्पेसिफिक फीचर है इसके अंदर जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक ऑपरेशन नीड। अगर किसी को कोई स्पेसिफिक ऑपरेशन कराने की जरूरत पड़ती है तो बाकी सारी कंपनीज के अंदर 2 साल वेटिंग पीरियड होता है। दिस इज द ओनली पॉलिसी जिसमें 1 साल के बाद ही चीजें कवर हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं आपका स्टोन, कैटरेक्ट, हर्निया, रसौली, पाइल्स, गाइन रिलेटेड इश्यूज, जॉइंट रिप्लेसमेंट, ये आपका 1 साल के बाद ही कवर हो जाएगा। बाकी कोई भी कंपनी की पॉलिसी लेंगे तो उसमें 2 साल के बाद कवर होता है। एम्बुलेंस कवर, इस पॉलिसी के अंदर 1500 रुपये तक का एम्बुलेंस कवर रहता है। इस पॉलिसी में डोमिसिली ट्रीटमेंट क्या होता है दोस्तों, जिस भी कंसर्न में जब भी कोई हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है और पेशेंट हॉस्पिटलाइज ना होके इस कंडीशन में कि हॉस्पिटल नहीं जा सकता, घर में ही ट्रीटमेंट कराना पड़ता है, तो 3 दिन कम से कम घर में ट्रीटमेंट कराना, डॉक्टर प्रेस्क्राइब होना चाहिए। अगर 3 दिन से ज़्यादा आपने घर में ट्रीटमेंट कराया है तो वो एक्सपेंस भी इस पॉलिसी के अंदर कवर होता है। प्लस अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट जैसे कि यूनानी, सिद्धा, आयुष, होम्योपैथी, ये सारे ट्रीटमेंट भी इस पॉलिसी के अंदर कवर्ड है। और लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल पॉलिसी है दोस्तों, किसी भी एज तक इस पॉलिसी को आप रिन्यू कर सकते हैं, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है दोस्तों। और दो चीज़ें होती हैं दोस्तों, एक चीज़ इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को समझाना चाहूँगा, जो पॉलिसी 2 तरह की होती है, एक होती है बैंकर पॉलिसी और एक होती है एजेंट के थ्रू पॉलिसी। हम लोग एजेंट हैं, एजेंट के थ्रू पॉलिसी लेना ज़्यादा बेटर रहता है एज कम्पेयर टू बैंकर पॉलिसी। SBI की जो पॉलिसी है, इस कंपनी का नाम है SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। बहुत सारे लोगों के कॉल्स आते हैं कि जो SBI की बैंक के अंदर हमारा अकाउंट है, क्या हम वहां से पॉलिसी ले सकते हैं? तो दोस्तों मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग वहां से पॉलिसी लेंगे तो वो बैंकर पॉलिसी होगी और वो ग्रुप पॉलिसी होती है जो कि नॉन पोर्टेबल होती है। उस पॉलिसी को आप किसी भी कंपनी में कभी भी पोर्ट नहीं कर पाएंगे। और दूसरा, वहां पर सबसे बड़ी रिस्ट्रिक्शंस आ जाएगी आपके पास कि वहां पर जो बच्चे की एज है वो 18 साल तक ही कवर होगी, 25 साल तक नहीं कवर होगी। ये दूसरी बड़ी रिस्ट्रिक्शंस आ जाएगी। तो प्लीज़ आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, आप मेरे साथ जुड़े, मेरी पॉलिसी मैं आपको जो चीज़ें बताऊंगा वो चीज़ें राइटिंग में भी दूंगा आपके पॉलिसी वर्डिंग में, एवरीथिंग। 25 साल तक आप बच्चे जोड़ सकते हैं, अपनी पॉलिसी को कहीं भी पोर्ट कराना चाहेंगे तो मैं पोर्ट भी करा के दूंगा, आपकी पोर्टेबल पॉलिसी होगी, ग्रुप पॉलिसी नहीं होगी। लेकिन जो बैंकर पॉलिसीज होती हैं वो ग्रुप पॉलिसीज होती हैं, वो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक होती हैं, क्योंकि जब भी कोई क्लेम आएगा आपका बैंकर कभी भी साथ नहीं देगा, आपको हर चीज़ के लिए कस्टमर केयर में कॉल करने के लिए बोलेगा। लेकिन अगर पॉलिसी आपने हमारे थ्रू एजेंट के थ्रू ली है तो आपको कभी भी क्लेम के लिए परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट, बेनिफिट्स की बात करूँ, और सबसे अच्छी चीज़ इस पॉलिसी के अंदर किसी भी तरह की कोई सब लिमिट्स नहीं है, जैसे कि कोई डिसीज वाइज कैपिंग नहीं है इस पॉलिसी के अंदर। अगर किसी को पहले से कोई पुरानी बीमारी है जैसे कि बीपी है, शुगर है, अस्थमा है, थायराइड है, तो ऐसी कोई भी बीमारी अगर आप डिस्क्लोज करके पॉलिसी लेते हैं तो 4 ईयर्स का उसमें वेटिंग पीरियड लगेगा, जो कि बाकी कंपनीज के अंदर भी लगता है। अब बेसिक 3 यूनिवर्सल रूल होते हैं जो सभी कंपनीज के अंदर काम करते हैं, यहाँ पर भी काम करेंगे, जैसे कि 24 आवर हॉस्पिटलाइजेशन होना जरूरी होगा। अगर 24 घंटे आप हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए तो पॉलिसी काम नहीं करेगी, ये पहला थंब रूल है। दूसरे थंब रूल की बात करें तो आज पॉलिसी लिए तो फर्स्ट 30 डेज वेटिंग पीरियड होगा, पहले 30 दिन किसी भी बीमारी के लिए आपकी पॉलिसी काम नहीं करेगी। एट लास्ट नॉट लीस्ट, आपका एक्सीडेंट की वजह से कोई जरूरत पड़ेगी तो वो डे 1 से कवर होगा, उसमें 24 घंटे की कंडीशन भी नहीं होगी और 30 दिन की कंडीशन भी नहीं होगी, ये आपको
अच्छे से समझना है, कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी इन तीनों रूल्स के बिना नहीं काम करती है। अब क्या है इसके अंदर, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें टीपीए, टीपीए का मतलब होता है आपका थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। इस पॉलिसी के अंदर टीपीए आउटसाइडर है जिसका नाम है पैरामाउंट। तो मैं जनरली सारी कंपनीज के लिए बोलता हूँ, जिस कंपनीज का भी टीपीए आउटसाइडर होता है कंपैरेटिवली थोड़ा सा हैसल वाला होता है, परेशानी करने वाला होता है, जिसका भी इनहाउस ट्रीटमेंट होता है वो ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन एसबीआई की स्पेसिफिक बात करूं तो ये कंपैरेटिवली बहुत अच्छा है एज कम्पेयर टू अदर गवर्नमेंट कंपनीज। यहाँ पर क्लेम हैसल फ्री और टेंशन फ्री आराम से पास होता है, आप इसको यूज कर सकते हैं। ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है, बाकी आपकी चॉइस है कि आप ये प्लान लेते हैं या कोई और प्लान लेते हैं। अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट जो है, जो पहले नहीं होता था और अब क्या चेंज आया उसके बारे में आपको बताऊंगा। पहले क्या होता था, कोई डिसीज वाइज किसी को कोई लोडिंग वगैरह लगती थी, अब यहाँ डिसीज वाइज लोडिंग नहीं है इस पॉलिसी के अंदर, यहाँ पर बैड हैबिट्स वाइज लोडिंग है। अगर कोई आप सिगरेट करते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो आपका 525% टोटल जो प्रीमियम आ रहा है उसका 5% आपका लोडिंग लगेगा। अगर आप टबैको यूज करते हैं तो 5% लोडिंग लगेगा एक्स्ट्रा, और अगर आप ड्रिंक करते हैं और डिस्क्लोज करते हैं तो वो भी 5% एक्स्ट्रा लोडिंग लगेगा। अगर आप तीनों चीजें करते हैं, सिगरेट भी पीते हैं, टबैको भी यूज करते हैं, खैनी वगैरह खाते हैं और अपना ड्रिंक भी करते हैं, तो 15% लोडिंग लगेगा। तो आपने इंश्योर करना है, अगर आप इन तीनों में से कुछ भी चीजें यूज करते हैं तो उसको डिस्क्लोज कर सकते हैं। अब यहाँ डिसीज वाइज कोई लोडिंग नहीं है, अगर आपको बीपी है, शुगर है, अस्थमा है, थायराइड है और आप पॉलिसी लेते हैं, डिक्लेयर करके या मेडिकल टेस्ट में निकल के आती है, तो कंपनी आपसे एडिशनल चार्ज नहीं लेती है। ये एक बेस्ट पार्ट है। लेकिन अगर आपको कोई ये हैबिट्स हैं, बैड हैबिट्स हैं, तो उसका एडिशनल चार्ज लगेगा एट द टाइम ऑफ मेडिकल टेस्ट। वहां पर जो पर्सन आएंगे, डिस्कस करेंगे, वो पूछ सकते हैं आपसे कि आप हुक्का पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, टबैको खाते हैं या कोई ड्रिंक करते हैं। अगर आपने यस बोल दिया तो एडिशनल प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा, उसमें लोडिंग लग के आएगी और थ्रू आउट द लाइफ लगेगी, वो चेंज नहीं हो सकती। चाहे आपने बाद में छोड़ भी दिया तब भी वो लगेगी, थ्रू आउट द लाइफ लगेगी। तो प्लीज इंश्योर कि अपना ऐसा कुछ कंसर्न क्लियर रहे आपको। अगर कुछ है तो डिस्क्लोज करना है, नहीं करना आपको डिसाइड करना है। अब बात करता हूँ, बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं ये पॉलिसी बहुत छोटी है, पॉलिसी तो अच्छी है 3 लाख की, लेकिन इसमें जो कंसर्न है आज के हिसाब से कम है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ दोस्तों, इस पॉलिसी के साथ सुपर टॉप अप प्लान आते हैं अदर कंपनीज के, इसके साथ अटैच कर सकते हैं। हमारी कई सारी वीडियोस बनी हुई है सुपर टॉप अप के लिए। आप अपनी 3 लाख की पॉलिसी को 8 लाख कर सकते हैं, 13 लाख कर सकते हैं, 20 लाख कर सकते हैं, 23 लाख कर सकते हैं, 53 लाख कर सकते हैं, 28 लाख कर सकते हैं। इट मीन्स 10 लाख का, 5 लाख का, 20 लाख का, 50 लाख का सुपर टॉप अप प्लान इस पॉलिसी के साथ ऐड कर सकते हैं, जिससे आपकी पॉलिसी का प्रीमियम ज्यादा नहीं बढ़ेगा, आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो समझ में आया होगा, चीजें अच्छी लगी होंगी। नमस्कार, आपका दोस्त योगेंद्र वर्मा, सच्चा साथी।